गुड मॉर्निंग। तो आज है 14 जनवरी और आज है संक्रांति। तो संक्रांति पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आप जो पतंग उड़ाए हैं वो 9 बजे के बाद उड़ाएं, ठीक है? 9 बजे के बाद उड़ाएं, क्योंकि जो पशु पक्षी हैं, ठीक है, जो पक्षी हैं वो अपने अपने नाश्ते के लिए जाकर वापस आ जाते हैं, ठीक है, नाश्ते के लिए चले जाते हैं। और 5 बजे बाद पतंग ना उड़ाएं, क्योंकि ये पक्षियों के लौटने का समय होता है अपने घोंसलों तक, ताकि वो इस मतलब इंजरी से बच सके, मांझे से कटने से, ठीक है? तो इतने इतना कर्तव्य तो अपना बनता ही है। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि आपने अभी एयर इंडिया के विमान में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति ने अपने को पैसेंजर के ऊपर टॉयलेट कर दिया, ठीक है? और आपने दक्षिण सूडान जो कि अफ्रीका के अंदर है, एक देश है, वहाँ के राष्ट्रपति ने एक नेशनल एंथम के दौरान पैंट के अंदर ही टॉयलेट कर दिया। तो ये क्या कारण है और इसके बचने के क्या उपाय हैं, हम वो भी देखेंगे। फोटो जो खुद खबर के अंदर है, ये जो क्रूज है ये खबर के अंदर है, क्यों है और ये न्यूज़ के अंदर क्यों है वो भी हम जानेंगे। और ये है कार्टून, ठीक है, ये मीम है बिहार के शिक्षा मंत्री के विवादित बयान के ऊपर। तो हम जानेंगे आज के करंट अफेयर। तो उससे पहले हम देख लेंगे कि आज का ये सुविचार साबित हो सकता है, सुविचार साबित हो सकता है, ठीक है, कि इन तीन चीजों से आप बचकर रहें। अब वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं, देखिए, पहले के वक्त में किसी के बर्बाद होने के लिए सीमित क्षेत्र थे। आप जिस मोहल्ले में रहते थे वहां कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां जाने से बचा जाता था। कुछ लोग ऐसे थे जिनके साथ रहो तो कुछ संग हो सकता था, लेकिन अब यह सब जरूरी नहीं है। अब आप अकेले रहकर भी बर्बाद हो सकते हैं। तो ये लाइन काफी लगने वाली है कि आप अब अकेले रहकर भी बर्बाद हो सकते हैं। किसी मनुष्य या क्षेत्र का योगदान अब आवश्यक नहीं है। मल्टीपल स्क्रीन डिसऑर्डर ऐसी बीमारी हो गई है जिसे ठीक से नहीं समझा तो फिर अस्पताल में ही भर्ती होना पड़ेगा। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल, ये त्रिदेव, ठीक है, त्रिदेव कौन कौन, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, आजकल बर्बाद होने के जो प्रमुख कारण है वो कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल है। बहुत बारीकी से संभालने की चीज हो गए हैं। अगर आप रोज ऑनलाइन 10 से 12 घंटे गुजार रहे हैं तो खुद में खुद बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए हम स्वयं ही सावधान रहें और अपनी युवा पीढ़ी पर नजर रखें, क्योंकि ये तीनों बर्बाद करने के मामले में उम्र नहीं देखते हैं। जो सामने आया वो निपट जाएगा अगर वो जरा भी असावधान रहा। तो ये आज का सुविचार है। तो चलिए करंट अफेयर देखते हैं। सबसे पहला तो हमने कल करंट अफेयर देखा था पृथ्वी सेकंड के बारे में, और पृथ्वी सेकंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, क्योंकि इसका हाल ही के अंदर ओडिशा के चांदीपुर में टेस्ट हुआ है, ठीक है, चांदीपुर में टेस्ट हुआ है, क्योंकि चांदीपुर टेस्टिंग रेंज है ओडिशा के अंदर। तो क्या है पृथ्वी 2 से संबंधित, तो पृथ्वी मिसाइल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रतियोगी परीक्षाओं में भारत में विकसित रक्षा आयुधों के संबंध में प्रमुखता से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो आपको पता ही है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ऐसे में कुछ उपयोगी फैक्ट्स यहाँ दिए गए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला, 10 जनवरी को ओडिशा तट पर चांदीपुर में पृथ्वी 2 का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि किस तारीख को पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया, तो वो आपको ध्यान रखना है 10 जनवरी 2023 को। कहाँ पर किया गया, किस राज्य में किया गया, तो ओडिशा में, ओडिशा के तट पर। किस जगह पर किया गया, तो चांदीपुर के अंदर किया गया, ठीक है, किस कहाँ पर, चांदीपुर के अंदर। किस मिसाइल का किया गया, तो पृथ्वी 2 का किया गया, ठीक है। दूसरा है, पृथ्वी 2 की मारक क्षमता 250 से 350 किलोमीटर है। तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, जैसे पृथ्वी 2 दे देंगे, ठीक है, पृथ्वी 2 दे देंगे और इसके बारे में 1, 2 और 3 कथन दे देंगे, और फिर आपसे पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है या कौन सा कथन सत्य है। तो उसमें जैसे आपसे दे दिया जाएगा कि उड़ीसा के चांदीपुर में यहाँ पे टेस्ट हुआ है इसका, ठीक है, इसकी जो मारक क्षमता है 250 से 350 किलोमीटर है, ये अपने साथ एक टन तक पेलोड ले जा सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, पेलोड का मतलब है वह विस्फोटक जिसकी मदद से रॉकेट एक मिसाइल में तब्दील हो जाती है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि पेलोड का मतलब क्या होता है। तो पेलोड का मतलब होता है कि जहाँ एक सिंपल जो मिसाइल होती है, जो साधारण मिसाइल होती है, वो किसमें बदल जाती है, ठीक है, एक खतरनाक एक जो रॉकेट होता है एक जो रॉकेट होता है वो एक खतरनाक मिसाइल में तब्दील हो जाती है पेलोड के माध्यम से। चौथा है, यह पृथ्वी 2 के बारे में कि पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये कथन में आपसे ये भी दे सकता है कि जो पृथ्वी 2 मिसाइल है वो सतह से हवा में मार करने वाली है या सतह से सतह में करने वाली है या हवा से सतह पर करने वाली है। तो ये पृथ्वी 2 जो मिसाइल है ये सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज, कौन सी शॉर्ट रेंज की
कौन सी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, इसमें तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी हाल ही में जो पृथ्वी 2 का मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया है उसमें किस प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया गया है। तो आपके पास ऑप्शन होंगे तरल, ठोस या दोनों, ठीक है। तो आपको जो टिक करना है, सही आंसर लगाना है, वो लगाना तरल, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 है इसके अंदर तरल ईंधन का प्रयोग किया गया है। कौन से ईंधन का? तरल ईंधन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है इसके बारे में कि इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया है। तो यह नेवी के लिए, सॉरी एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है। लेकिन अब इसका उपयोग थल सेना के द्वारा भी किया जाएगा, लेकिन अब इसका उपयोग किसके द्वारा किया जाएगा? आर्मी के द्वारा भी किया जाएगा। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि आज 14 तारीख है और कल है 15 तारीख, ठीक है। तो 15 तारीख को हम सेना दिवस सेलिब्रेट करते हैं, क्या मनाते हैं? सेना दिवस। और 12 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? युवा दिवस, जो स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि के रूप में की याद में मनाया जाता है। आई होप आपको ये फैक्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये फैक्ट अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे क्या है? CISF, ठीक है, को मिली स्वदेशी असोल्ट राइफल त्रिची। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि हाल ही में समाचारों में रही त्रिची से आप क्या समझते हैं, तो ये एक असोल्ट राइफल है। क्या है? असोल्ट राइफल, ठीक है। तो त्रिची आयुध फैक्ट्री ने डिजाइन किया है, ईसापुर में हुआ है इसका निर्माण। प्रत्येक राइफल की कीमत करीब 76,000 रुपये है। इस राइफल को तमिलनाडु के त्रिची आयुध फैक्ट्री में डिजाइन किया गया है और ईसापुर फैक्ट्री में बनाया गया है। इसे त्रिची असोल्ट राइफल का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? त्रिची असोल्ट राइफल, क्योंकि इसको त्रिची आयुध फैक्ट्री के अंदर बनाया गया है। राइफल में कुल 3 मोड हैं, सेव मोड, सिंगल मोड और ऑटो मोड। तो क्या है ये तीनों मोड, देख लेते हैं एक बार। राइफल को सिंगल मोड में ट्रिगर से दबाते हैं, मतलब सिंगल मोड में ये है कि आप जैसे ही ट्रिगर दबाओगे तो एक गोली निकलेगी, एक ट्रिगर पे एक गोली निकलेगी, ठीक है, एक शॉट फायर होगा। पर स्वचालित मोड में एक ट्रिगर प्रति मिनट 600 से 650 राउंड तक फायर कर सकता है, मतलब एक मिनट के अंदर 600 से 650 गोलियां दाग सकते हैं आप, इतनी पावरफुल है ये। मैगजीन में 30 कारतूस होंगे। ये अत्याधुनिक राइफल 300 से 800 मीटर के दायरे में दुश्मनों को मार गिराने में सक्षम है, मतलब 300 मीटर से लेकर 800 मीटर तक मार गिराने में सक्षम है। बाकी जो सैनिक है, ठीक है, जो सोल्जर है उसका निशाना अच्छा होना चाहिए। बाकी ये जो राइफल है, असोल्ट राइफल है, तो ये बहुत ही पावरफुल, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी आपने देखा होगा कि जो एयर इंडिया का विमान था, एयर इंडिया का जो एरोप्लेन था, उसके अंदर एक व्यक्ति अपने को पैसेंजर के ऊपर टॉयलेट कर देता है। और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसके अंदर जो दक्षिण सूडान है, एक अफ्रीका का देश है दक्षिण सूडान, उसके जो राष्ट्रपति हैं वो नेशनल एंथम के दौरान, जो वहाँ का नेशनल एंथम है उनके उसके दौरान जो टॉयलेट कर देते हैं पेंट के अंदर ही, ठीक है, और उनकी एज है 71 वर्ष। तो ये क्यों होता है, ठीक है, किस कारणों से होता है, वो एक बार देख लेते हैं। जिसमें यूरिन कंट्रोल करना मुश्किल होता है, वे क्या कारण है वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला कारण तो है कि यूटीआई, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो मांसपेशियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उसके कारण आपका जो ब्लेडर है वो लीकेज होने का चांस, लीकेज हो जाता है, जिसके कारण कंट्रोल नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, जो छींक और आप खांसते हैं या छींकते हैं उसी के साथ आपका यूरिन निकल जाता है। दूसरा ये है प्रोटेस्टिज्म। तो प्रोटेस्टिज्म में क्या होता है, जो जो ग्रंथि होती है, ठीक है, तो वो सिकुड़ जाती है और उसके कारण यूरिन पास करने में दर्द होता है, ठीक है, दर्द होता है। तो ये भी कारण है। तीसरा कारण ये है कि कमजोर सिम्फेक्टर मसल, कमजोर सिम्फेक्टर मसल। उससे क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो जो ब्लैडर होता है वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है और उसकी जो मसल्स होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए यूरिन को होल्ड कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से भी यूरिन पास हो जाता है बिना चाहते हुए भी, ठीक है। दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में, ठीक है, कोई इंजरी है यानी कि कोई प्रॉब्लम है, तो भी आपका यूरिन न चाहते हुए भी पास हो सकता है। तो ये भी एक कारण है। पांचवा कारण है कि ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपके दिमाग संबंधित कोई बीमारी अगर आप में है, तो आपके जो माइंड है
उसके पास जो मैसेज है वो पहुंचेगा ही नहीं कि आपको यूरिन यूरिन पास करने की ज़रूरत है, और यूरिन पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कारण है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अगर आप डायबिटीज़ के यानी कि शुगर के, सॉरी मधुमेह के रोगी हैं, तब भी आपका यूरिन पास हो सकता है, क्योंकि मधुमेह वाले रोगियों को यूरिन बहुत कम समय पे बार बार यूरिन जाने की जरूरत आवश्यकता पड़ती है, इस कारण भी आपका यूरिन पास हो सकता है। और सातवां और अंतिम कारण ये है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी कि आपका जो दिमागी संतुलन है, अगर उसमें आपको दिक्कत है, तब भी आपके यूरिन पास हो सकता है। तो ये सात कारण हैं यूरिन पास होने के, वो भी अगर आप नहीं चाहते हो तब भी यूरिन पास हो रहा है, तो ये सात कारण आपको आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब आपको कारण पता होंगे तभी आपका इसका इलाज संभव हो पाएगा। अब इनको दूर करने के क्या उपाय हैं, वो भी हम साथ के साथ ही देख लेते हैं। तो इनको दूर करने के उपाय क्या है, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के सात तरीके हैं। जैसे हमने पढ़ा कि यूरिन पास होने के सात कारण हैं, तो उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए सात उपाय भी साथ के साथ ही हम देख रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि पेल्विक एक्सरसाइज करें, ये इसके अंदर जैसे दिखाया गया है वो उस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जैसे 3 सेट लगा सकते हैं आप, ठीक है, और 10-10 के लगा सकते हैं, ठीक है, तो टोटल हो गए 30। तो इससे आपका यूरिन पास जो मतलब बिना चाहते हुए भी न चाहते हुए भी यूरिन पास हो रहा है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। दूसरा क्या है, दूसरा है कि बैलेंस डाइट और नींद लें। जो बैलेंस डाइट है यानी कि संतुलित आहार लें, ठीक है, और अच्छी नींद तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो भी आपको आपका शरीर बहुत सारी बीमारियों से गिर सकता है, तो बैलेंस डाइट और अच्छी नींद जरूर लें। तीसरा क्या है, तीसरा यह है कि डायबिटीज़ है तो शुगर कंट्रोल करें। अगर आपको डायबिटीज़ है यानी कि मधुमेह है, मधुमेह रोग है, तो आपको शुगर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, यानी कि मीठा खाने से आप बचें। नेक्स्ट है कि खट्टी चीज़ जैसे कि संतरा, नींबू और आंवले को कम खाएं। ठीक है, अगर जिनके यूरिन पास होता है, ना चाहते हुए भी यूरिन पास होता है, तो उनको खट्टी चीज़ें से परहेज करना चाहिए, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इन चीज़ों को कम खाएं ताकि आपका यूरिन पास ना हो। नेक्स्ट है टाइम पर ट्रीटमेंट लें और जांच कराएं। तो समय समय पर आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर से सलाह लें और जांच भी कराएं ताकि आपको और किसी समस्या से जूझना ना पड़े। नेक्स्ट है बॉडी में नॉर्मल से अलग कोई चीज़ हो रही हो तो फौरन ध्यान दें। अगर बॉडी के अंदर आपके शरीर के अंदर कोई साधारण समस्याओं से अलावा कोई अलग अब नॉर्मल चीज़ हो रही हो, ठीक है, तो आपको फौरन हॉस्पिटल जाके आपकी जांच बॉडी बॉडी की जांच करानी चाहिए। नेक्स्ट है स्पाइनल कोड, यानी कि रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कोड कहा जाता है, या ट्रोमेटिक इंजरी है तो सर्जरी करवा सकते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप सर्जरी करवा सकते हैं, और जो ये यूरिन पास होता है न चाहते हुए भी उससे उस समस्या से आप निजात पा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है आप इनको नहीं जानते होंगे, आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था, तो ये एक वैज्ञानिक है। कौन है, वैज्ञानिक है जिन्होंने हेली धूमकेतु का आविष्कार किया था, मतलब खोज की थी, हेली जो धूमकेतु है उसकी खोज की थी इन्होंने। कौन है ये, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है एडमंड हेली, इन्हीं के नाम पे हेली धूमकेतु का नामकरण किया गया था। तो ये न्यूज़ के अंदर क्यों है आज, क्योंकि 1742 में आज के दिन यानी कि 14 जनवरी 1742 के दिन आज के दिन आखिरी सांस ली थी, यानी कि इनका देहांत हो गया था, निधन हो गया था। दुनिया की हेली धूमकेतु से पहचान कराने वाले एडमंड हेली का नाम इंग्लैंड के प्रसिद्ध खगोलविदों यानी कि एस्ट्रोनॉमर्स में गिना जाता है। एडमंड हेली का जन्म 8 नवंबर 1656 को इंग्लैंड के शोरडिज में हुआ था। 1705 में एडमंड हेली ने दुनिया को हेली धूमकेतु के बारे में बताया था। वैसे तो पृथ्वी के पास से कई धूमकेतु गुजरते हैं, लेकिन हेली ऐसा धूमकेतु है जिसे खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हेली धूमकेतु का आविष्कार किसने किया था, तो एडमंड हेली ने किया था, और यह एकमात्र ऐसा धूमकेतु है जिसको नंगी आंखों से यानी कि खुली आंखों से भी देखा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एक तो इसके वैज्ञानिक का नाम क्या है, दूसरा वह कौन सा एकमात्र धूमकेतु है जिसको नंगी आंखों या खुली आंखों से देखा जा सकता है, तो वो है हेली धूमकेतु। आपको लग रहा होगा कि ये जो जहाज है, ये क्रूज जहाज है, ये कहाँ का है, तो ये इंडिया का ही है, ठीक है। इसका नाम है गंगा विलास।
क्या नाम है, गंगा विलास। चर्चा में क्यों है, खबर में क्यों है, वो देख लेते हैं एक बार। यह तस्वीर गंगा विलास क्रूज की है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी, जो कि कहां पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, से शुरू हो रही इसकी यात्रा का शुभारंभ किया है। यह रिवर क्रूज उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम की कुल 25 नदियों के मार्ग से गुजरकर यात्रा पूरी करेगा, जो कितनी किलोमीटर है, 3,200 किलोमीटर की यह यात्रा करेगा। ठीक है, और खबर इसकी डिटेल में हम देखने वाले हैं आगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है ये, तो दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज यानी कि नदी नदियों का क्रूज है ये जहाज है। 27 नदियों में 3,200 किलोमीटर का सफर 51 दिन में पूरा करेगा क्रूज। किराया कितना है, 55 लाख रुपए। तो अपन जैसे गरीबों का तो ये सपना ही है। ठीक है, इसकी रूम देखो 5 स्टार से कम नहीं है। ओपन रेस्तरा है, मतलब आप जाइए और अपने मन पसंद का खाना खा सकते हैं, रेस्तरा भी है। ठीक है, रूट इसका रूट देख लेते हैं। कई विश्व धरोहर, राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख घाट को जोड़ते हुए वाराणसी से पटना, कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और फिर असम में गुवाहाटी शहर घूमने का मौका मिलेगा। वाराणसी में गंगा आरती खास तौर पर दिखाई जाएगी। तो वाराणसी से कहाँ जाएगा, कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से ये ढाका बांग्लादेश में जाएगा और फिर डिब्रूगढ़ यानी कि असम के अंदर ये जाएगा। इसको हरी झंडी किसने दिखाई है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाई है। ठीक है, और 50 पर्यटन स्थलों के साथ 27 अलग अलग नदियों से ये गुजरेगा और 51 दिन के अंदर ये यात्रा कंप्लीट करेगा। सुविधाएं इसके अंदर क्या क्या है, 18 लग्जरी स्वीट्स है, स्पा है, सैलून है, आयुर्वेदिक मसाज है, स्विमिंग पूल आदि। 36 यात्रियों की मेजबानी के लिए 40 लोगों का स्टाफ है। इसमें केवल 36 यात्री ही क्या करेंगे, यात्रा करेंगे और उनके लिए कितना कितने का स्टाफ है, 40 लोगों का स्टाफ है। तभी तो किराया कितना है, 55 लाख रुपए है किराया है। ठीक है, कितना है, 55 लाख। अब 36 यात्री का मतलब आप कपल भी हो सकते हैं, या 18 कपल हो गए तो 36 यात्री हो गए। ठीक है, तो पैसे कमाइए और इतने अमीर बनिए कि आप भी इस क्रूज का आनंद ले सकें। अब अपराध है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा 33.33%, पहले तो ये पास होने के लिए होता था एग्जाम कि 100 में से अगर 33% आ जाते हैं तो व्यक्ति पास हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा 33.33% मामले किसके हैं, डकैती के, जो बहुत ही चिंतनीय है, चिंताजनक है। 2021 के मुकाबले 2022 में 11.61% अपराध बढ़ा है, जो भी चिंताजनक है। दुष्कर्म में 11.93% का इजाफा, यह तो बहुत ही चिंताजनक है कि दुष्कर्म जैसे मामलों में भी लगभग 12% का इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े हैं, किसके ये आंकड़े, तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड जो NCRB है यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के ये आंकड़े हैं। इस तरह प्रदेश में बढ़ा अपराध का ग्राफ, शीर्षक। ठीक है, और वृद्धि और कमी यहाँ पे है 2021 और 2022 के तुलनात्मक अध्ययन। हत्या के मामलों में, ठीक है, जहाँ 2021 में 1786 थे, वहीं 2022 में 1834, यानी कि 2.69% की वृद्धि यहाँ पे देखी गई। तो सभी जो अपराध की जो श्रेणियाँ हैं उनमें सभी में वृद्धि देखने को मिलती है, सिवाय ये बलवा। ठीक है, तो बलवा क्या होता है, ये एक मजदूरी, मान लो मजदूरी होती है ज़बरदस्ती। ठीक है, बंधुआ मजदूर मान लेते हैं इसको। ठीक है, हत्या का प्रयास, डकैती, तो डकैती में सर्वाधिक 33.33%, और हत्या का प्रयास में भी दूसरे नंबर पर है 21.73%, जो चिंताजनक है। लूट, अपहरण, बलात्कार के मामले 2021 के मुकाबले 2022 में 11.93% की वृद्धि देखने को मिलती है। नकबजनी, चोरी में भी वृद्धि देखने को मिली है 15.75, और अन्य में 10.39% की वृद्धि देखें। कुल दर्ज केस में भी वृद्धि देखने को मिली है 11.61%, यानी कि 11.61% की वृद्धि देखने को मिलती है। हालांकि पुलिस ने सराहनीय काम किया है न्याय दिलाने में पुलिस का सराहनीय प्रयास हुआ है। वर्ष 2020 से 2021 में बढ़ोतरी करीब 11% थी। 2022 में अपराध के आंकड़े 11.61% बढ़े हैं, जबकि लोगों को न्याय दिलाने के मामले में पुलिस ने अच्छा काम किया है। वर्ष 2021 के मुकाबले में 2022 में पेंडेंसी 17% ही रही। डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ADG कहें, ये सराहनीय कदम है पुलिस का कि उन्होंने अपना जो दबदबा है वो बनाए रखा, लोगों को समय पर न्याय मिला। तो आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश विदेश की खबर भी देख लेते हैं एक, तो ये आपको इंडिया लग रहा है या कोई फॉरेन लग रहा है, तो ये इंडिया ही है। और इंडिया कहाँ पर, गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर ये क्या है, तो यह है स्पर्श महोत्सव, यानी कि यह है स्पर्श नगरी।
क्या नाम है इसका? स्पर्श नगरी। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही के अंदर स्पर्श महोत्सव किस राज्य के अंदर मनाया गया, तो वो मनाया गया कहाँ पर? गुजरात के अंदर। यह स्पर्श नगरी और इसकी खास बात क्या है? क्योंकि यह 90 एकड़ में अस्थायी नगर बसाया गया है। क्यों बसाया गया? 800 लोग 3 माह में यहाँ पर काम कर रहे हैं। 1500 बंगाली कारीगरों ने 1500 फुट लंबा और 70 फुट ऊंचा शाही दरवाजा तैयार किया है। 100 फुट की भगवान नेमिनाथ मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। 25,000 की क्षमता का भव्य टेंट है। स्वर्ण छटा लिए हुए लक्ष्मी माता सरस्वती का मंदिर। 1000 साधु साध्वी के ठहरने के लिए यह टेंट बनाया गया है। युवा उत्कर्ष शिविर, धार्मिक प्रदर्शनी और मनोरंजन के साथ ज्ञान देने वाली बाल नगरी भी यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर यह क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पर गुजरात के अंदर स्पर्श मास स्टार्ट होने वाला है कल से, यानी कि 15 जनवरी 2023 से। तो अगर आपसे पूछा जाए हाल ही के अंदर किस राज्य के अंदर 15 जनवरी 2023 को स्पर्श महोत्सव शुरू होने वाला है या शुरू हुआ था, तो वो नाम है गुजरात। पावन गिरनार शिखर से सजा अस्थायी नगर, तो ये कहाँ पर है? यह अहमदाबाद के अंदर है। ठीक है, कहाँ पर है? अहमदाबाद के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये है बिहार के शिक्षा मंत्री। ठीक है, प्रतीकात्मक चित्र है ये। तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक विवादित बयान दिया है। अब शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा के ऊपर ही बयान दिया होगा। तो ये पीछे वाले जो इनके सहयोगी हैं, सचिव हैं, वो कहते हैं बस करो, अब तो ग्लेशियर भी पिघलने लगे हैं। तो ऐसा ही कोई गर्मजोशी वाला बयान दिया होगा। ठीक है, भड़काऊ बयान दिया होगा। अब वो क्या बयान था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइए कि क्या बयान था बिहार के शिक्षा मंत्री, जो ये पीछे वाला जो व्यक्ति है वो बोल रहा है कि बस करो, अब तो ग्लेशियर भी पिघलने लगे हैं। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर और जो इन्फॉर्मेटिव जो क्लास थी, वो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।